तो फाइनली आज की वीडियो होने वाली बहुत ही धमाकेदार। तो ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम करने वाले एक धमाकेदार फोन के साथ एक धमाकेदार गेमिंग टेस्ट। हालांकि ये हमारे पास LG का विंग और इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो मैंने चैनल पे अपलोड कर दी थी, अगर आपने नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देखो, बहुत ही कमाल की वीडियो देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ आज इस स्मार्टफोन के साथ हम गेमिंग टेस्ट करने वाले हैं और एक नहीं दो नहीं तीन चार बेहतरीन और तगड़े गेम खेल के देखेंगे क्या स्मार्टफोन अच्छे खासे गेम प्ले करवा सकता है या फिर नहीं, और क्या ये स्मार्टफोन आपको परचेस करना चाहिए या फिर नहीं अगर आप एक गेमर हो तो, अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो तो, दोनों के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं, ये स्मार्टफोन मेरे हाथों से टूट चुका है। हालांकि ये फोन जब टूटा हुआ था तब मैं अनबॉक्सिंग वीडियो शूट कर रहा था और उसी दिन जिस दिन मेरे को रिसीव हुआ उसी दिन ये स्मार्टफोन टूट गया मेरे हाथों से। कंपनी बोलती है गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन है, बट 2 फीट की ऊंचाई से गिरा और ये फोन टूट गया मेरे हाथों से। तो अफसोस होता है कि 80,000 का फोन है कंपनी का और अभी तो 30,000 के ऑफर पे दे रहे हैं ये लोग, लेकिन 80,000 रुपये का फोन है और 2 फीट से गिरने के बाद इसकी ये हालत हो जाती है। मैं नहीं मानता कि गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन है ना चाहिए। लेकिन आज का हमारा सबसे जो मेन खास मुद्दा है वो है गेमिंग टेस्ट को लेके। तो चलिए शुरुआत करते हैं गेमिंग टेस्ट की और खेलते हैं तगड़े तगड़े गेम, देखते हैं क्या FPS और क्या टेम्परेचर और कितनी बैटरी ड्रॉप होने वाली है इस वीडियो के अंदर। हाय गाइस, मेरा नाम है कमल, करता हूँ सभी का स्वागत एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर तो करिएगा, साथ ही साथ भाई के चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और हाँ बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी भूलना, क्योंकि अगर बेल आइकन नहीं दबाओगे तो जब मैं वीडियोस अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। और आई होप यार थोड़ी सी वीडियो क्वालिटी आपको अच्छी नहीं देखने को मिली होगी, दो चार दिन की बात है यार आपको अच्छी क्वालिटी देखने को मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर देते हैं फटाफट से। तो चलिए कर लेते हैं इस स्मार्टफोन का सबसे पहले हम रिबूट टेस्ट, यानी इसको हम करेंगे रिबूट और उसके बाद हम चेक करेंगे कि कितने सेकंड में ये स्मार्टफोन जो है वो रिबूट हो जाएगा। ऊपर मैंने जो है वो स्टॉपवॉच लगा दिया है और रिबूट टेस्ट करने का सबसे बड़ा फ़ायदा है ताकि हम इसके प्रोसेसर की पावर के बारे में पता लग जाएगा। और उसके पहले मैं आपको एक बात बता दूं, इस स्मार्टफोन के मैं ज़्यादा डिटेल्स के बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि इसके ऊपर मैंने एक अनबॉक्सिंग वीडियोस पहले से ही बना रखी है। तो अगर आपको इस स्मार्टफोन की डिटेल्स के बारे में जानना है तो आप जाके जो है अनबॉक्सिंग वीडियोस चेक कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो यहाँ पे 24 सेकंड हो चुके हैं और अभी तक ये स्मार्टफोन जो है वो रिबूट नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा स्लो है इसका प्रोसेसर और यहाँ पे ये रिबूट हो चुका है, बट अभी तक जो है वो पैटर्न वगैरह सही से ले नहीं रहा है, ऐप्स तो अभी लोड ही नहीं हुई हैं। तो 37 सेकंड पे यानी ये स्मार्टफोन जो है पूरी तरह बूट हो चुका है। तो हम मान सकते हैं 37-40 सेकंड में ये स्मार्टफोन जो है बूट हो जाता है, यानी रिबूट हो जाता है। और अब चलिए कर देते हैं इस स्मार्टफोन का जो है वो गेमिंग टेस्ट। उससे पहले आप सभी को दिखा दूं यहाँ पे जो बैटरी है वो 90% है। बैटरी मैं आप सभी को इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि जब लास्ट में हम गेम क्लोज करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हमारी जो है बैटरी कितनी ज़्यादा ड्रेन हुई। साथ में मैंने यहाँ पे FPS मीटर लगा दिया है, टेम्परेचर मीटर लगा दिया है, रैम के यूज़ होंगी वो मीटर भी मैंने आपको लगा दिया। तो यहाँ पे आपको FPS, रैम, मीटर सब कुछ दिखता रहेगा। और चलिए स्टॉपवॉच को कर देते हैं स्टार्ट और पबजी गेम हमारा जो है हो चुका है ऑन। अब यहाँ पर हम खेलेंगे पबजी, कॉल ऑफ ड्यूटी और X4 9 और उसके बाद देखते हैं कि कितनी बैटरी ड्रेन होती है और कितना अच्छा है ये प्रोसेसर, कितना कैपेबल है कि आपको अच्छी खासी गेमिंग करवा सकता है या नहीं। तो सबसे पहले हम पबजी ओपन हो चुकी है, यहाँ सेटिंग में जाके हम आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हो सेटिंग में जो रिकमेंडेड सेटिंग है वो हाई HD हाई पे लगी हुई है और अल्ट्रा आप नहीं खेल सकते हो। तो आप यहाँ देख सकते हो स्मूथ के साथ आप अल्ट्रा खेल सकते हो और बैलेंस के साथ आप अल्ट्रा जा सकते हो, HD के साथ आप हाई जा सकते हो और ज़्यादा HDR आप खेल नहीं सकते जो इस डिवाइस के लिए कैपेबल नहीं है। तो स्मूथ अल्ट्रा पे हम खेल के देखेंगे सबसे पहले। तो फटाफट से मैच लगा लेते हैं और देखते हैं कि कितना पावर है इसमें। हालांकि मैंने अनबॉक्सिंग वीडियोस में आप सभी को बताया था कि मैं इसकी गेमिंग टेस्ट ज़रूर करूंगा, तो ये रही गेमिंग टेस्ट की वीडियो और हम आ चुके हैं मैच के अंदर। तो यहाँ पे मुझे स्मूथनेस काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, मतलब मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि हाँ ये स्मार्टफोन लैग करेगा। क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो हमें प्रोसेसर देखने को मिलता है वो मिलता है स्नैपड्रैगन की तरफ से, स्नैपड्रैगन का 765 5G प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जिसकी टॉप क्लॉक स्पीड है 2.4 GHz। बेंचमार्क के बारे में अगर बात कर लूँ तो बेंचमार्क जो हमें देखने को मिलता है वो 3,44,000 के आसपास में देखने को मिल जाता है इसका बेंचमार्क स्कोर। और वहीं अगर मैं बात करूँ तो इसका जो रैम और प्रोसेसर है वो हमें देखने को मिल जाता है 8128 के साथ हम यहाँ पर गेमिंग कर रहे हैं। तो अब थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में हम देखते हैं और थोड़ा सा मैच खेल लेते हैं और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कैसा रिस्पॉन्स रहा है इसके साथ।
अगर मैं बात करूं तो मैंने कई मैच खेले इसके पहले, मतलब मैच खेला, मैच के अंदर आते ही मर गया, तो मैं हॉट ड्रॉप पे इसलिए ज़्यादा जो है वो जंप कर रहा हूं ताकि आपको भी अंदाज़ा हो जाए कि कभी कभी जब आप मैच खेलते रहते हो और कई सारे बंदे इकट्ठे आ जाते हैं तो जो लैग आता है वो क्या आपके साथ इस स्मार्टफोन में आएगा या नहीं आएगा। तो मैं काफ़ी ज़्यादा देर से इसको स्मार्टफोन के साथ जो है वो खेल रहा हूं, बट आई होप कि मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। और यहाँ पर ये गया और एक बोट गया, और तुम्हारा भाई पीरो नहीं है बट हाँ बोट मार देता है, और कहीं से फायर आ रही है। ओ सेट, अरे यार चलो हम नए मैच में आ चुके हैं और उस मैच में तो लूटने के चक्कर में हमारी पेटी बन गई थी। और यार मैं बात करूँ तो मुझे काफ़ी कमाल की फीलिंग आ रही है, मतलब स्मूथनेस बहुत ज़्यादा है गेम में, रेंडर FPS वगैरह काफ़ी कमाल के आ रहे हैं। 60 FPS के नीचे ये टच ही नहीं कर रहा है, 59-60 FPS पे बड़े आराम के साथ जो है वो लैग और की बात करूँ तो कभी है ही नहीं, तो FPS की बात कर लीजिए तो 60 FPS लगातार ही दे रहा है और मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि मुझे लगा नहीं था कि हाँ इतना अच्छा परफॉर्मेंस देगा ये स्मार्टफोन, वो भी PUBG जैसे गेम पे। हालांकि एक चीज़ मैं बता दूँ, मैं ये वीडियोस काफ़ी पहले शूट कर रहा हूँ तो ये ग्लोबल वर्जन है तो PUBG इंडिया नहीं है, तो ये वीडियोस मैंने शूट कर लिया तो कभी इस पर इंडिया भी हम ट्राई करेंगे इन फ्यूचर में। तो यहाँ पे मैंने कई सारे फायर्स वगैरह भी कर लिए हैं तो स्मूथनेस तो मुझे बहुत ही कमाल की देखने को मिली इस स्मार्टफोन में, मैंने एक्सपेक्ट नहीं ही करा था। जैसा कि आपको पता ही होगा मैंने OnePlus 8T की जो है वो गेमिंग टेस्ट करी थी और उसमें जिस तरह मुझे स्मूथनेस देखने को मिल रहा था उस तरह स्मूथनेस मुझे इस स्मार्टफोन में देखने को मिल रहा है। हालाँकि यहाँ पर पड़ा हुआ है 765 जो है 5G प्रोसेसर और 5G उसमें भी था, तो अब एक बार हम थोड़ा सा सेटिंग के साथ छेड़खानी कर लेते हैं क्योंकि अभी तक मुझे काफ़ी अच्छा फील हुआ। तो अब यहाँ हम हाई और हाई पे करके एक बार खेल लेते हैं, यहाँ से मैंने हाई और हाई कर दिया, कलरफुल रहने ही देते हैं। अब इस पर हम थोड़ा सा देर खेल के देख लेते हैं। तो 60 FPS जैसे कि आप देख रहे हो और 74% रैम यूज़ हो रहा है और सेल्सियस की बात कर ली जाए तो 37% हीट हुआ है, मतलब अभी सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। 20 मिनट तक हमने इस मैच को अभी तक खेला है और मैं बताऊँ तो यार मुझे इसमें भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, मुझे मज़े आ रहे हैं, काफ़ी कमाल का लग रहा है, मतलब ऐसा कुछ लग नहीं रहा यार, अच्छा है। एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना अच्छा चलेगा यार PUBG पे, काफ़ी कमाल का स्मार्टफोन निकल के आया हाथ में और मुझे लगा था कि हाँ गेमिंग की जा सकती है बट इतनी तगड़ी गेमिंग और इतनी ख़तरनाक होगी मुझे नहीं लगा था। 8GB रैम है, 128GB इंटरनल के साथ, स्नैपड्रैगन 675 पड़ा हुआ है। तो जैसा कि मैं बताऊँ तो कमाल का प्रोसेसर निकला, हालांकि इसके पहले जब मैंने करा था OnePlus 8T में तो वहां पे जो प्रोसेसर था वो था Qualcomm Snapdragon 865 5G 7nm पर, दोनों ही प्रोसेसर बेस्ड हैं बट दोनों के कमाल के फीचर्स हैं क्योंकि वहां पे स्मूथनेस मुझे काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी और यहां पे भी देखने को मिली। हालांकि मैंने वहां पे 90Hz पे खेला था और यहां पर भी मैंने सेटिंग से 90Hz लगा रखा है तो दोनों में मुझे कोई डिफरेंस ज़्यादा देखने को नहीं मिला। हालांकि अगर PUBG गेम की बात करी जाए तो PUBG गेम काफ़ी स्मूथनेस के साथ चल रहा है, आप खेल सकते हो बहुत ही तगड़े से। और यहाँ पे मैं कुछ देर कर लेता हूँ ड्राइव क्योंकि ड्राइव जब हम करते हैं तो यहाँ पे ग्राफिक जो होता है वो सबसे ज़्यादा जो है वो लोड लेता है, तो इससे एक अंदाज़ा लगेगा क्योंकि हीटिंग का भी थोड़ा सा इशू हो सकता है तो बढ़ेगा और अगर रैम यूज़ होगा तो भी होगा। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, हालांकि अभी तक मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा है बट हाँ एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगा यार, इस फ़ोन का वेट इतना ज़्यादा है क्योंकि 260 ग्राम इसका वेट है तो थोड़ा सा लैग आया, एक सेकेंड शायद बंदा होगा, नहीं थोड़ा सा लैग तो आया, इस FPS तो वही है बट लैग आया था मेरे को ऐसा महसूस हुआ। बंदे थे मुझे पता था और मैंने यहीं इसीलिए मैंने वहाँ पे जंप करा, वह किल तो हो गया बट जंप इसीलिए किया था। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हो टेम्परेचर अभी मेरे को सबसे ज़्यादा नॉर्मल लग रहा है, हीट की कोई ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा, नॉर्मल है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आई है। और 60 FPS 38% हीट, 1% बढ़ चुका है और रैम उतना ही यूज़ हो रहा है। तो अभी चलिए कर लेते हैं कॉल ऑफ ड्यूटी प्ले और इस पर हम खेल लेते हैं हाई सेटिंग्स पे। अब देखो यार मैं सारे सेटिंग खेल के तो नहीं दिखा सकता क्योंकि सारे सेटिंग अगर हम खेलेंगे ट्राई करेंगे, कई सारे लोग कमेंट करते हैं कि भाई इस पर खेलता तो इतना FPS देता। हाँ भाई मेरे भाई बिल्कुल मैं आपकी बात समझ रहा हूँ बट अगर मैं सारे सेटिंग से ट्राई करूँगा तो वीडियोस काफ़ी ज़्यादा बड़ी बन जाएगी और यहाँ मैक्स पे नहीं जा सकते तो वेरी हाई पे हम खेलेंगे, एक सेकेंड। तो यहाँ हम कॉल ऑफ ड्यूटी खेलें और वेरी हाई पे और काफ़ी अच्छा फील आया कॉल ऑफ ड्यूटी में, 60 FPS दे रहा है, 38% टेम्परेचर है, 70% रैम यूज़ हो रहा है, तो
तो स्मूथनेस और जो सारी चीज़ें ना वो इसमें भी कमाल की आ रही। ग्राफिक्स की बात करी जाए तो वो भी बहुत ही अच्छा है इसमें। और थोड़ी देर हम इसको खेलते हैं, उसके बाद इसका जो है वो आप सभी को रिव्यू देते हैं कि कैसा रहा इसके साथ एक्सपीरियंस। अभी हमने 32 मिनट जो टू पूरे मैच खेले हैं, जिसमें हमने पबजी भी खेला है और साथ में कॉल ऑफ ड्यूटी हमने स्टार्ट कर दिया है खेलना। और वहीं मैं दूसरी बात कर लूँ तो यहाँ पे इस फ़ोन का वेट के बारे में, जैसे मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे इस फ़ोन का वेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, 260 ग्राम है। तो हाँ, आप ज़्यादा देर जब गेमिंग करोगे, तो मैंने ज़्यादा देर गेमिंग करी है, जब आप ज़्यादा देर गेमिंग करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ मैंने बहुत ही हैवी फ़ोन पकड़ रखा है, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है। अभी आधे घंटे हो चुके हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हाथों में जो है वो थोड़ा सा पेन होने लगा है, क्योंकि आप जब 170 या 180 ग्राम्स के फ़ोन पर खेलते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा हल्का महसूस होता है। बट ये 260 ग्राम है, और अगर कवर वगैरह लगा लेते हो तो थोड़ा सा वेट और भी जो है इंक्रीज़ हो जाता है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि यार थोड़ा सा वेट इस स्मार्टफोन का ज़्यादा है। अब वेट तो ज़्यादा रहेगा क्योंकि डुअल डिस्प्ले है, आप दोनों ही डिस्प्ले पे दो गेम खेल सकते हो, या फिर आप चाहो तो कॉल ऑफ ड्यूटी भी खेल सकते हो। मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि दोनों डिस्प्ले पे आप कैसे दो गेम खेल सकते हो, बहुत ही आसान है, कोई ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। तो आप बस थ्री फिंगर से जैसे आप स्क्रीनशॉट लेते हो वैसे ही आपको स्वाइप कर देना, और आपका ऊपर वाला गेम नीचे चलाएगा, या फिर नीचे से ऊपर को स्वाइप कर दोगे नीचे वाला गेम ऊपर चला जाएगा। हालांकि दोनों स्क्रीन पे खेलने का मज़ा नहीं आएगा, एक ही स्क्रीन पे आएगा। और डुअल डिस्प्ले की अगर मैं बात करूँ तो आप कुछ ही गेम हैं जो आपके डुअल डिस्प्ले सपोर्ट करेंगे, हालाँकि सारे गेम सपोर्ट नहीं करेंगे, कुछ ही गेम जो है वो डुअल डिस्प्ले सपोर्ट करते हैं। तो इस स्मार्टफोन के साथ हमने दो गेम खेले अभी तक, एक पहला हमने खेला पबजी, दूसरा हमने खेला कॉल ऑफ ड्यूटी। दोनों में काफ़ी तगड़ी परफॉर्मेंस थी, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस इसने दिया, कोई रेंडर नहीं, कोई लैग नहीं, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था, मैंने एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, सच बता रहा हूँ। और दूसरी बात, अब यहाँ पे हम खेल लेते हैं X4 9। हालांकि अगर मैं बात करूं तो कुछ ही गेम है जो आपको कस्टमाइज मिलेंगे डुअल डिस्प्ले के साथ, जैसे कि ऊपर के साइड आप अपना मैप वगैरह देख सकते हो। हालांकि पबजी और कॉल ऑफ ड्यूटी में इसका कोई यूज़ नहीं होगा, आप मज़ा नहीं ले पाओगे। अगर यहाँ पे पबजी या कॉल ऑफ ड्यूटी कस्टमाइज होता तो ऊपर साइड मैप आ जाता, नीचे के साइड हम गेम खेलते, कितना मज़ा आता इस फ़ोन के साथ। हालांकि सारे गेम कस्टमाइज नहीं हैं, और इसका जो है वो पहली बात तो इसके अपडेट देखो कब तक आएंगे, अब ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हम लोग कि कस्टमाइज होंगे। और दूसरी बात है, अभी तक एंड्रॉयड 10 पे चल रहा है, 11 का अपडेट आ चुका है कई सारे फ़ोनों में, बट अभी इसमें कब तक आएगा कुछ पता नहीं है, और आते ही मैं आप सभी को ज़रूर अपडेट कर दूंगा। और दूसरी बात करी जाए तो यहाँ पे मुझे काफ़ी मज़े आ रहे हैं इस गेम के साथ, क्योंकि मुझे अभी तक पबजी और कॉल ऑफ ड्यूटी में इतने मज़े नहीं आते जितना मुझे X4 में मज़े आ रहे हैं, क्योंकि यार यहाँ पे एक अलग ही स्मूथनेस आ रही है। दूसरी बात कर लूँ तो मज़े ही मज़े हैं, ऊपर साइड आप देख सकते हो मैप दिख रहा है, हालांकि इसका कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने कस्टमाइज़ करा है इसके साथ, तो ये बहुत अच्छा एक ऑप्शन रहा है, और बहुत ही अच्छा लगा यार। गेमिंग के मामले में मुझे इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि हाँ इतना अच्छा परफॉर्मेंस देगा ये, लेकिन गेमिंग के मामले में लाजवाब था, आप इससे काफ़ी अच्छी और तगड़ी गेमिंग कर सकते हो। हाँ, स्नैपड्रैगन 675 के साथ आप अच्छी खासी गेमिंग कर सकते हो, और इस टाइम की मैं बात करूँ तो यहाँ पे हम विन भी हो चुके हैं। और दूसरी बात है, अच्छा रहा, प्रोसेसर अच्छा था, और इस फ़ोन के साथ कुछ गेम है जो कस्टमाइज़ रहेंगे जिससे आप मज़ा ले सकते हो। और दूसरी बात, थोड़ा सा वेट इसका ज़्यादा है, तो हाँ उसके साथ आप जा सकते हो, आपको पता करना पड़ेगा कि हाँ मैं इतने भारी स्मार्टफोन के साथ गेम खेल सकता हूँ या नहीं, क्योंकि मैंने जितनी देर खेला है अभी मुझे हाथों में पेन आने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि ये यार बहुत ज़्यादा वेट इसका बहुत ज़्यादा है, 216 ग्राम, तो वेट इसका ज़्यादा है, ये चीज़ आपको नोटिस करनी पड़ेगी। हालांकि गेम की बात करो तो आप सभी प्रकार के गेम खेल सकते हो, हाँ HDR और अल्ट्रा की बात तो आप भूल जाओ, क्योंकि यार स्नैपड्रैगन 675 है, बट जितना भी इसने गेम चला है एक्यूरेट, भाई साहब बोलूँगा आप सभी को, कमाल का ही गेम दिया है, ना ही कोई FPS ड्रॉप हुआ है, ना ही कोई ज़्यादा हीटिंग का इशू आया है, ना ही यहाँ पे जो है वो कोई रैम ज़्यादा यूज़ हुआ है। अभी जैसा आपकी देख पा रहे हो, रैम भी हमारा काफ़ी अच्छे तरीके से चल रहा है। और दूसरी बात, 60 FPS के नीचे हमें किसी भी गेम में नहीं देखने को मिला है, चाहे हम बात कर लें पबजी की या कॉल ऑफ ड्यूटी की या X4 की। और दूसरी बात कर लें तो 38% तक अभी हीटिंग रही, अभी 39% गई थी, बट ऑटोमेटिकली जो है वो ड्रॉप हो गई। तो ये बहुत अच्छा फीचर्स है कि ऑटोमेटिकली जो है वो टेम्परेचर इसका जो है वो ड्रॉप हो चुका है। अब यहाँ अगर मैं बात करूँ तो तीनों ही गेम बहुत ही स्मूथनेस के साथ चले, कोई लैग नहीं देखने को मिला, अच्छा लगा इस प्रोसेसर के साथ खेल के, यानी गेमिंग टेस्ट में काफ़ी अच्छा इसने परफॉर्मेंस दिया है हम सभी को। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे भाई परफॉर्मेंस की, तो 60 FPS था,
79% रैम इसने यूज़ करा है, थोड़ा रैम प्रोसेस बढ़ा यहाँ पे, और टेम्परेचर की बात कर ली तो थोड़ा सा बढ़ा, लेकिन हाँ ये नॉर्मल है एक। और टोटल अगर मैच की बात करें तो हमने 42 मिनट की जो है वो टोटली मैच खेले हैं, और यहाँ पे देख लो 39% इसका टेम्परेचर है, तो ये एक नॉर्मल है, मैं इसे ज़्यादा हाई नहीं बोलूँगा क्योंकि काफ़ी फ़ोन में इससे ज़्यादा के ज़्यादा टेम्परेचर चले जाते हैं लेटेस्ट स्मार्टफोन में। हालांकि ये स्मार्टफोन 80,000 के हिसाब से लॉन्च किया गया था, बट अभी आपको फ्लिपकार्ट 30,000 का देखने को मिल जाएगा, क्योंकि LG जो अपनी कंपनी बंद कर रही है स्मार्टफोन की, लेकिन आपको 3 साल तक अपडेट्स वगैरह देगी और सर्विस भी 5 साल तक देती रहेगी, तो इसने ये क्लेम करा है। और जैसा कि आप देख पा रहे हो डुअल डिस्प्ले में आप सारे ऐप्स को कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। हाँ जी, यहाँ पे आप सारे ऐप्स को कस्टमाइज़ कर सकते हो, ये काफ़ी इसमें फीचर्स हैं। और मैं आप सभी को बताऊँ तो मैं इसके ऊपर जल्दी ही आप सभी को कैमरा टेस्ट लेके आने वाला हूँ, क्योंकि कैमरा इसका बहुत ही कमाल का है गाइस, तो कैमरा टेस्ट ज़रूर आएगी। इसीलिए बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, क्योंकि हमारे पास जो भी वीडियोज़ आएगी चैनल पर वो एकदम जेन्युइन वीडियोज़ देखने को मिलेगी। तो अब बात कर लेते हैं बैटरी ड्रेन की। तो यहाँ पर हमने 3 हैवी गेम खेले, जिसमें PUBG खेला, कॉल ऑफ ड्यूटी खेला और साथ ही एक्सपोर्ट खेला, और 43 मिनट खेला। और यहाँ पे जो बैटरी कंज्यूम हुई है वो अभी भी देख सकते हो, 77% अभी भी बैटरी बाकी है। 90% पे हमने स्टार्ट करा था, 43 मिनट हमने पूरे मैच खेले जिसमें में से 77% अभी भी बाकी है। तो यहाँ पर जो इसने बैटरी कंज्यूम करा वो बहुत ही कमाल का था, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है कि आप 5 से 6 घंटे गेमिंग कर सकते हो बड़े आराम के साथ, क्योंकि यहाँ पे जो बैटरी कंजप्शन था वो बहुत ही कमाल का था गाइस, सच में। तो फाइनल रिजल्ट की बात करें तो ये स्मार्टफोन पे आप गेमिंग कर सकते हो, अच्छी खासी गेमिंग कर सकते हो, देर तक गेमिंग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। और साथ ही साथ बता दूं तो आपको यहाँ पे हीटिंग इशू भी देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए अब बात करते हैं आमने सामने। तो आशा करता हूँ सभी को LG Wing की जो है वो गेमिंग टेस्ट वीडियो देख के बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि यार इसको शूट करने के लिए मेरे को बहुत ज़्यादा मेहनत लगी। तो आई होप आप सभी मुझे लाइक करके जरूर जाओगे और नीचे कमेंट जरूर कर देना यार, प्लीज़ कर देना, क्योंकि इससे हमें जो है बहुत खुशी मिलती है कि हमारी बनाई हुई वीडियो आपको पसंद भी आ रही है। साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या चीज़ अपग्रेड करी जाए अपनी वीडियो के अंदर, तो कमेंट जरूर करके बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड सायोनारा, आई एम